देख रहे हैं केएम न्यूज। मैं हूं आपके साथ वर्षा कोहली। आज बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान का बर्थडे है। आज सलमान अपना 54वां जन्मदिन मनाएंगे। सलमान की फैमिली के लिए ये दिन किसी त्योहार से कम नहीं है, तभी तो पूरी फैमिली सलमान के जन्मदिन पर इकट्ठा होती है और उनका बर्थडे सेलिब्रेट करती है। आइए आपको दिखाते हैं कैसे सलमान ने अपनी फैमिली के साथ ये दिन सेलिब्रेट किया है। बॉलीवुड स्टार सलमान खान का आज जन्मदिन है। उन्होंने अपने परिवार और दोस्तों के साथ इस दिन की शुरुआत की है। कई सेलेब्स उनके भाई सोहेल खान के घर पर इकट्ठा हुए और उन्होंने सलमान का 54वां बर्थडे सेलिब्रेट किया है। पार्टी में उनकी एक्स गर्लफ्रेंड से लेकर को स्टार तक पहुंचे। 54 साल के हो गए सलमान खान ने देर रात परिवार के साथ केक काटा। जन्मदिन की पार्टी में सलमान के दोस्त भी नजर आए थे। भाई सोहेल खान की तरफ से दी गई पार्टी में सलमान की खास दोस्त कैटरीना के साथ और भी लोग नजर आए, जिनमें लूलिया वंतूर, सोनाक्षी सिन्हा और तब्बू भी नजर आईं। सबसे खास बात इस पार्टी में सलमान खान के एक्स जीजा पुलकित सम्राट भी अपनी गर्लफ्रेंड कृति खरबंदा के साथ नजर आए। पार्टी में सोहेल अपनी पत्नी सीमा खान के साथ पहुंचे थे। सलमान खान इस पार्टी में भूरे रंग की जैकेट के साथ काले रंग की टी शर्ट और डैमेज जींस पहन रखी थी, जिसमें सलमान हमेशा की तरह स्टाइलिश और हैंडसम लग रहे थे। सलमान का ये जन्मदिन इसलिए भी खास होने वाला है, आज उनकी छोटी बहन अर्पिता अपने दूसरे बच्चे को जन्म देगी। इसको लेकर सलमान खान और उनका पूरा परिवार बेहद खुश है। अपने भाईजान को खुशियों का ये खास तोहफा देने के लिए बहन अर्पिता ने ये खास दिन चुना है। अर्पिता हॉस्पिटल में सी सेक्शन डिलीवरी के जरिए इस बच्चे को जन्म देगी और भाईजान के 54वें जन्मदिन को जीवन भर के लिए यादगार बना देंगी। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर उनके फैंस ने उन्हें विश किया है। साथ ही बॉलीवुड स्टार वरुण धवन, आयुष्मान शर्मा, एशले रैबेलो, ग्रीमी अवार्ड जीतने वाले सिंगर रेड वन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से सलमान को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। तो आइए आपको सलमान के करियर की कुछ खास बातें बताते हैं। सलमान से बड़ा स्टारडम शायद ही किसी का हो, यही वजह है कि पिछले कुछ सालों से उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर मनी मेकिंग मशीन बनी हुई हैं। मगर करियर की शुरुआत सलमान के लिए आसान नहीं थी। हिंदी सिनेमा के वेटरन राइटर सलीम खान का बेटा होने के बावजूद पहली फिल्म मिलने में सलमान को एडी से चोटी का जोर लगाना पड़ा था। तमाम मुश्किलों को पार करके सलमान सूरज बड़जात्या के प्रेम बने और बॉलीवुड को एक सितारा मिला, जिसके बाद सलमान ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज सलमान अपने जीवन के उस मोड़ पर हैं जहां बॉलीवुड के सभी सितारे उनके साथ काम करना चाहते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक हिट फिल्में देने वाले सलमान खान सामाजिक सेवा में भी पीछे नहीं रहते। सलमान हमेशा गरीबों के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। सलमान के वर्क फ्रंट की बात करें तो सलमान इन दिनों अपनी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म दबंग 3 को लेकर काफ़ी उत्साहित हैं। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कमाल दिखाया है। बता दें कि फिल्म में एक बार फिर उनके साथ सोनाक्षी सिन्हा ने स्क्रीन शेयर की है। दोनों की जोड़ी को दर्शक काफ़ी पसंद करते हैं। दबंग 3 के बाद अब वे अपनी अगली फिल्म राधे की शूटिंग में बिजी हैं। इस फिल्म में उनके साथ दिशा पटानी और जैकी श्रॉफ होंगे। ये फिल्म ईद 2020 में रिलीज होगी। बॉलीवुड की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केएम न्यूज को सब्सक्राइब